यहाँ पर रास्ते में आपको बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी, लेकिन आज मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि आपने आज तक नहीं देखा, जैसा कि गोवा बीच में विदेशी महिला क्या बेच रही है। तो आज मैं आपको एक विदेशी महिला या फिर ये कहें कि विदेशी लड़की से मिलवाऊंगा जो कि गोवा बीच में अपना बिजनेस कर रही है। तो चलिए आगे चल के मैं सब कुछ दिखाता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे गोवा से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये कुछ माहौल है आज की शाम का, और आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग जा रहे हैं और कितना अच्छा माहौल है उस कॉर्नर तक, और कुछ लोग स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ लोग फोटोग्राफी और रील्स भी बना रहे हैं, जैसा कि मेरे सामने आप देख सकते हैं। तो आप लोग हमेशा कमेंट करते हो कि गोवा में विदेशी कहाँ मिलेंगे या रशियन कहाँ मिलेंगे, तो ये सब दिखाने के लिए मैं गोवा के रशियन बीच आ गया हूँ, जिसका ओरिजिनल नाम अरंबोल बीच है, और यह गोवा का बेस्ट बीच है मेरे हिसाब से, और रशियन और विदेशी लोगों का पसंदीदा बीच है, इसलिए सारे रशियन और विदेशी लोग यहीं पर मिलेंगे आपको। तो चलिए आगे चल के मैं आपको मस्त मस्त चीज़ें दिखाता हूँ और इस बीच के बारे में मस्त मस्त बातें बताता हूँ। तो यह गोवा का अरंबोल बीच है, जो कि पंजिम सिटी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह एक रशियन बीच है, मतलब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रशियन मिलेंगे। लेकिन आज मैं इस बीच की सुंदरता के साथ साथ एक महिला से भी मिलवाऊंगा, लेकिन आप इसकी सैंड को देख सकते हैं और सैंड कितनी क्लीन है, बागा और कलंगूट जैसी बिल्कुल नहीं है, और ये सनसेट आप देख सकते हैं, सनसेट फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आप फोटोग्राफी नहीं करूंगा। तो चलिए मैं चलता हूँ उस महिला के पास जो कि कुछ बेच रही है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो क्या बेच रही है आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा। तो यहाँ पर बीच में विदेशी लोग बेचते हैं, आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हर शाम को मार्केट लगती है, तो आप गोवा के अरंबोल बीच पर शाम को घूमना बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल याद रखना। तो चलिए मैं आ गया हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे सामने वो महिला बैठी हुई है। पीपो ये एक स्पेनिश लेडीज है जो कि मोटे कॉन्सीलस बेच रही है, जो कि एक स्पेनिश जूस है और बहुत ही टेस्टी स्वीट जूस है, जो कि केवल 100 रुपए में बेच रही है। तो चलिए अब इसी की जुबानी सुनते हैं और कहानी। या आई मेट इन फ्राइडे नाइट मार्केट एंड टुडे आई मेट इन मोरजिम विथ पीपो। He's there. Yeah, he's here. He's here. Yeah, he's here. He's swimming. You see his head. Yeah. Yeah, look. Look. जैसा कि आपने देखा कि ये की तो बहुत ही फ्रेंडली हैं, तो गोवा में बहुत सारी रशियन और विदेशी लड़कियां मिल जाएंगी जो कि बहुत ही फ्रेंडली होती हैं, आप बहुत अच्छी तरह से फ्रेंडशिप कर सकते हैं। लेकिन एक नए वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।